जिला अंतर्गत कुल 79 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। सभी जगहों पे मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है, उड़नदस्ता टीम है। वो वहाँ पर फील नहीं हो, उत्सव का माहौल लगे, उस पर से एग्जाम का प्रेशर हट जाए, वो बच्चे बिल्कुल आसानी से और सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश करे और उनको परीक्षा का कोई फीलिंग नहीं हो, उनको लगे कि हम घर के माहौल में। नमस्कार, मैं मनवीर शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आज से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैट्रिक का परीक्षा जो है वह शुरुआत, उसकी शुरुआत जो है वह हो चुकी है। आपको बता दें कि कदाचार परीक्षा कराने को लेकर जहां एक तरफ मुजफ्फरपुर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए सुचारू रूप से यातायात को सुचारू बनाए हुए रखने को लेकर जो है ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड में है। आपको बता दें कि आज से मैट्रिक के जो परीक्षा की शुरुआत हुई है उसके लिए 79 परीक्षा केंद्र जो है वह बनाए गए हैं, जिस पर दो पालियों में तकरीबन 75,000 विद्यार्थी जो है वह मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम जो है वह जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं SDO पूर्वी अमित कुमार, पहले आपको सुनाते हैं। आज से सर मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई है, क्या कुछ व्यवस्था किया गया है जिला प्रशासन? मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुल 79 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। सभी जगहों पे मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है, उड़नदस्ता टीम है, सभी के द्वारा नज़र रखा जा रहा और पूरी तरह से सुरक्षित और बढ़िया तरीके से एग्जाम लिया जा रहा। सर, आदर्श केंद्र बनाया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है? आदर्श केंद्र का उद्देश्य होता है कि बच्चों पर जो एग्जाम का प्रेशर है वो वहाँ पर फील नहीं हो, उत्सव का माहौल लगे, उस पर से एग्जाम का प्रेशर हट जाए, वो बच्चे बिल्कुल आसानी से और सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश करें और उनको परीक्षा का कोई फीलिंग नहीं हो, उनको लगे कि हम घर के माहौल में। स्ट्रेस फ्री परीक्षा के लिए स्ट्रेस ईज करना, बच्चों को ईज करना। स्कूल की तरफ से किया गया है या BACB की तरफ से? BACB केंद्र संसूचित करती है। मुजफ्फरपुर में तकरीबन 5-6 केंद्र आदर्श केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें चैपमैन भी हमारा केंद्र है, पिछली बार भी हमारा केंद्र था। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी सरकार के नॉर्म्स है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। मृत्युंजय कुमार नाम है मेरा, मैं यहाँ पर परीक्षा में सहयोग के लिए प्रतिनियुक्त हूँ। कि आपने सुना कि पूरे निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कह रहे थे SDO पूर्वी अमित कुमार। वही आपको बता दें कि आज से मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस जो है वह अलर्ट मोड पर है। परीक्षार्थियों के लिए कुल मुजफ्फरपुर में 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर तकरीबन 75,000 विद्यार्थी जो है वह मैट्रिक की परीक्षा में जो है वह शामिल हो रहे हैं। वही विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जगह जगह पुलिस बल और दंडाधिकारी की जो है वह नियुक्ति की गई है। कदाचार परीक्षा करने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह का कदाचार जो है वह नहीं हो पाए। वही आपको बता दें कि 75,000 विद्यार्थियों को जो मैट्रिक परीक्षा में वह शामिल हो रहा है, जिसको लेकर यातायात जो है वह प्रभावित जो है कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस जो है वह अलर्ट मोड पर है और हर जगह सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जो है वह पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। वही परीक्षा के दौरान जो है वरीय अधिकारी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा का मुआयना किया है, बच्चे जो परीक्षा दे रहे थे उसका जायजा लिया है कि बच्चे किस माहौल में किस तरह से परीक्षा दे रहे हैं। वही आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा को लेकर 5 या 6 जो है वह आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं मुजफ्फरपुर में, जहाँ जो एक देखने वाली बात है और आदर्श परीक्षा केंद्र जो है उस पर एक अलग तरह का ही नजारा देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मनवीर शर्मा की रिपोर्ट।